हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव विद नेचर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गार्डन के एक बहुत ही स्पेशल प्लांट के बारे में बताऊंगी और आपको वो दिखाऊंगी। वो प्लांट तो देखो स्पेशल है ही, और उसका उस पर जो फ्लावर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा स्पेशल हैं और बहुत ही खूबसूरत मतलब उसके फ्लावर्स आते हैं। और उन फ्लावर्स की जो है स्पेशल बात ये है कि मतलब वो फ्लावर जो है काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि उसकी फ्लावरिंग जो है सितंबर में स्टार्ट हो जाती है और वो फ्लावर जो है फरवरी तक मतलब रहता है। तो चलिए देखते हैं वो स्पेशल प्लांट क्या है और दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये वो प्लांट्स हैं, इनका नेम है सेलोसिया। इसे कॉक्सकॉम या मुर्गा कलगी प्लांट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं मुर्गा कलगी? क्योंकि देखो, अगर इसके फ्लावर को आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे मुर्गे के हेड पे कलगी सी बनी होती है ना, रेड कलर की, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। और इसे जो है वेलवेट फ्लावर भी कहते हैं। इसका देखो ऊपर से बिल्कुल वेलवेट की तरह लगता है ये फ्लावर, और ये देखने में बहुत ही सुंदर फ्लावर है और ये प्लांट भी बहुत सुंदर है। देखो, इन प्लांट्स पर फ्लावरिंग जो है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर का देखो अब स्टार्टिंग है, और मोस्टली हर प्लांट्स पे देखो फ्लावर्स आए हुए हैं। और इसे ग्रो करना भी बहुत इजी है। अगर आप सीड से ग्रो करोगे तो ये बहुत जल्दी ही इसके न्यू प्लांट्स आ जाएंगे। और इस प्लांट की खास बात ये है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। मतलब कि अब देखो अक्टूबर है, सितंबर में फ्लावर्स स्टार्ट हुए और ये फ्लावर जो है वो फरवरी तक रहेगा। अभी तो ये छोटा फ्लावर है, सभी छोटे छोटे हैं, अभी ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और ये फिर फरवरी तक रहेंगे। और मैं आपको ज़रूर अपडेट ज़रूर दूंगी, जब बड़ा फ्लावर हो जाएगा मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर इसके बाद जो है आप इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हो, और सीड्स जो हैं वो इसके फ्लावर के अंदर ही होते हैं। फिर फरवरी के बाद ये सूखना शुरू हो जाते हैं, फिर आप इनके बीज निकाल के नए प्लांट्स लगा सकते हो या उनको सेव करके रख सकते हो। कभी भी आपने बीज डालो आप किसी भी गमले में और ये बहुत जल्दी ही नए प्लांट्स आ जाएंगे। और इसकी केयर करना भी बहुत ईजी है, और इसकी मतलब एक तो फुल धूप में ये रखना चाहिए। ये प्लांट जो है देखो हमारा फुल धूप में रखा हुआ है, और जो है और इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। और ये जो है बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है, मतलब बहुत जल्दी लग जाता है। और देखो फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। और आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये फ्लावर्स अच्छे लगे हों, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लिव विद नेचर।